तस्वीरें प्रयागराज की हैं। एक शख्स को घेरे हुए पुलिस लोगों से जद्दोजहद कर रही है। हंगामा तेज है। लोग इस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस बार बार इन्हें पीछे धकेल देती है। शोर शराबे और हंगामे का दौर तेज है। कुछ लोगों के गले में भगवा पटका है तो कुछ के हाथों में बीजेपी का झंडा। नीली पैंट और कुर्ता पहने इस युवक को पुलिस ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। इसके चारों तरफ खड़े लोग काफी गुस्से में हैं। युवक का कुर्ता फट चुका है, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने आसपास इकट्ठा हुए लोगों को कंट्रोल करते खदेड़ दिया है। इस बीच पुलिस के अधिकारी इस युवक से कुछ पूछ भी रहे हैं। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये युवक कौन है और ये हंगामा आखिर खड़ा क्यों हुआ है, ये आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी की रैली थी। पीएम मोदी मंच पर थे। सामने लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। पीएम ने यहां भी देश की सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी देश की सुरक्षा नीति को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस शासन में कुछ लोग भारत का खाकर आतंकियों के गीत गाते थे और फिर भी आराम से जीवन जी रहे थे। हमने इस परंपरा को भी खत्म कर दिया है। पीएम का भाषण चल ही रहा था कि तभी समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता दर्शकों के बीच से सबसे आगे आ गया और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करने लगा। अतुल प्रधान नाम का ये युवक मेजा इलाके का रहने वाला है और 10वीं का छात्र है। ये युवक बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहता था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में इस युवक के कपड़े फट गए। पुलिस ने फौरन इस शख्स को घेर लिया और किसी तरह इस शख्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होने से बचाया। हालांकि पुलिस को इसे भीड़ से बचाने में करीब आधे घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हंगामे और अफरा तफरी के हालात बने रहे। टीम न्यूज़ नेशन।